बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका चैनल स्काई कार में। आज आपके लिए XUV300 का बहुत बढ़िया सेटअप लेकर हम हाजिर हैं। आज हमारे पास बहुत सारी XUV300 ही गाड़ियां आई हुई हैं, जिसमें से दो बेस वेरिएंट है और एक टॉप वेरिएंट है। और बेस वेरिएंट को टॉप वेरिएंट कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। काम जोरों शोरों से चल रहा है भाइयों, रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। बहुत सारी चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया हमने मॉडिफिकेशन किया है। बेस वेरिएंट गाड़ी आप देख सकते हो आपके सामने खड़ी हुई है, कुछ भी लग के नहीं आता। ओरिजिनल 100% ओरिजिनल इसके अंदर हम फॉग लैंप लगाएंगे बेजल के साथ में, विदाउट वायर कटिंग के। आप हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोई भी किसी भी तरीके का वर्क कराएंगे, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है या कोई फैंसी वायरिंग है, फैंसी लाइटिंग है, वायर कटिंग नहीं होगी। ये देखिए बेस वेरिएंट है, इसमें स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल भी लग के नहीं आता। इसमें ओरिजिनल महिंद्रा का स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल लगाएंगे। तो आज तीन गाड़ियों का XUV300 का सेटअप चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हम इसके अंदर ओवरऑल करके देंगे, इसलिए मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाइयों कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। ये दोनों बेस से टॉप मॉडल वालों सबके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाली है। तो सीट कवर्स का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, इसके अंदर हम OCS बकेट वाले सीट कवर्स लगाते हैं। एक बार मैंने आपको बीच में एक ये लुक दिखाने की कोशिश की है कि गाड़ी हमारी कैसे फाइनल तैयार हुई है। अभी देखिए इसके अंदर हमने डुअल कलर वाले व्हील कवर्स लगाए हैं, साइड बीडिंग लगाई है, डोर वाइजर लगाए हैं और इसमें लोअर विंडो गार्निश लगाई है, फ्रंट पे DRL लगाई है और ओरिजिनल महिंद्रा का फॉग लैंप लगाया। तो बीच में मैंने कहा एक बार आपको मैं लुक दिखाऊं कि गाड़ी फाइनल लुक होने के बाद कैसी लुक आ रही है। आप खुद ही देख सकते हो कि ये कहीं से भी बेस वेरिएंट नहीं लग रही है। ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन हो गई है इस गाड़ी की, बहुत अच्छा लुक आ गया है और एक एक चीज़ जो है बिल्कुल अपनी जगह पे इस तरीके से फिट हुई है कि जी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और इसमें हमने फ्रंट के अंदर बहुत बढ़िया फ्लोटिंग स्टाइल वाली DRL लगाई है हेडलाइट के ऊपर। इसके लिए हमने कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करी गाड़ी की ओरिजिनल, और साथ में इसमें पार्किंग लाइट के बल्ब भी डाल दिए, तो दोनों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और नीचे जो आप फॉग लैंप देख रहे हैं ये 100% महिंद्रा का ओरिजिनल है। अब इसमें हम स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल लगाने जा रहे हैं, ये भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए भी हम कोई वायर कटिंग नहीं करेंगे, टोटली प्लग एंड प्ले करेंगे। ये लेफ्ट साइड का स्टीयरिंग व्हील का स्विच है और ये 100% ओरिजिनल है और ब्रांड न्यू है। मार्केट के अंदर बहुत फेक प्रोडक्ट मैंने देखे हैं, आए हुए हैं और वो सेकंड हैंड कंडीशन के अंदर है। हमारे यहाँ पर आपको ओरिजिनल मिलेगा। तो लेट्स गो। तो जैसे भाइयों मैंने आपको बताया आज हमारे पास तीन गाड़ियों का सेटअप चल रहा है। ये W4 वेरिएंट है और कहीं से भी ये लो मॉडल नहीं लगेगी आपको। ये कैमरा अपनी जगह पे फिट हो गया, इस पर हमने नंबर प्लेट क्रोम लगाया है, पीछे हमने रिफ्लेक्टर लाइट लगाई है। बहुत बढ़िया सेटअप हुआ है इन सारी चीज़ों का। अभी हम व्हील रिम्स को पेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर डुअल कलर वाले व्हील कवर लगाएंगे। लोअर विंडो गार्निश हमने इसके अंदर लगा दी है, साइड बीडिंग इसके अंदर हमने लगा दी है। वर्क इन प्रोग्रेस है, देखते रहें भाइयों वीडियो के अंदर। इसमें दो तीन चीज़ें और बहुत खास अभी आगे देखने को मिलने वाली हैं।
ये इसके अंदर हमने वेलकम प्लेट लगाई है लाइटेड, जिसपे XUV300 बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन है। और आप ये देखते हो, देख सकते हो इसमें 70 मैट्स लगाए हैं जिसके ऊपर ग्रास है और टिच बटन स्टाइल है। बहुत इजी टू क्लीन हो जाता है गाड़ी के अंदर, बहुत अच्छी इसके अंदर क्लीनिंग रहती है। तो ये भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके नीचे आप फ्लोरिंग भी करवा सकते हो, सीट कवर्स की बहुत वाइड वैरायटी मिल जाएगी। स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल अपनी जगह पे बिल्कुल प्लग एंड प्ले फिट हो चुका है। और इसके अंदर अभी हम एंड्रॉयड भी देखते हैं इसमें हमने कौन सा लगाया है, ये भी बहुत बढ़िया खास चीज़ रहने वाली है। ये ओरिजिनल स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल है महिंद्रा का, और ये हमारे पास आपको ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर मिलेगा, ब्रांड न्यू ही मिलेगा। ये चीज़ें हम बिल्कुल जेन्युइन ही प्रमोट करते हैं, हम कोई फेक प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करते हैं। और इसके लगाने के लिए हमने कोई वायर कटिंग नहीं करी। इसके अंदर हमने टॉर्क कंपनी की सेंट्रल लॉकिंग लगाई है जिसकी 3 साल की वारंटी है। टॉर्क कंपनी जो है बहुत बढ़िया बेस्ट ब्रांड है, कंपनी से आपको 3 साल की डोर स्टेप सर्विस मिलेगी अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है। और ये हमारा जो एंड्रॉयड प्लेयर है ये मैट्रिक्स कंपनी का है, 2 GB रैम 16 GB मेमोरी ओरिजिनल फ्रेम के साथ में, प्लग एंड प्ले के साथ में, विदाउट वायर कटिंग। और आप ये देखिए मैंने इसको स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल के साथ में कितना बढ़िया तरीके से कॉन्फिगर कर दिया और प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सारे बटन्स काम करेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस के, ब्लूटूथ के बटन काम करेंगे, म्यूट का बटन काम करेगा, सोर्स का बटन काम करेगा, बिकॉज ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो ये हमारा मैट्रिक्स का प्लेयर, 2 GB रैम 16 GB मेमोरी के साथ में, इसमें आप यूट्यूब चलाओ, गूगल मैप्स चलाओ। और इसके अंदर हमने हाई डेफिनेशन कैमरा लगाया विद गाइडेड लाइंस, बहुत अच्छा इसका इंटरफेस आप देख सकते हो, कितना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो भाइयों ये हमारी W4 वेरिएंट है, और ये सनग्लास होल्डर वाला हमने इसके अंदर रूफ लैंप लगाया, ये कितना बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो फिट हो गया। इसमें आप सनग्लास होल्डर भी यूज कर सकते हो और इसके अंदर ये लाइट्स भी हैं, बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पे फिट हो गया। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि हम आपकी गाड़ी की कोई वायर नहीं काटेंगे, ओरिजिनल तरीके से हम काम करते हैं हमारे यहाँ पे, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्किल टीम मिलेगी। फ्लोटिंग वाली आप DRL का भी लुक चेक कर सकते हो, इसमें फ्लोटिंग स्टाइल के अंदर इंडिकेटर है और साथ में इसमें आपको DRL भी मिलती है। ये ओरिजिनल फॉग लैंप है महिंद्रा का, और इसके आगे जो फ्रंट पे ये ब्लैक कलर का पियानो ब्लैक वाला बेजल है, ये भी ओरिजिनल है, कोई भी प्रोडक्ट ये वाला आफ्टर मार्केट का नहीं है। और बहुत जल्दी हम इसकी टॉप मॉडल वाले हेडलैम्प भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका भी हमने ऑर्डर कर रखा है महिंद्रा को, बहुत जल्दी हमारे पास ये प्रोडक्ट आने वाले हैं। अभी आप फॉग लैंप का लुक चेक कर सकते हो, फॉग लैंप के लिए भी अगर आपको DRL चाहिए, ये भी मैं आपको अपनी प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, ये भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का सेटअप अब इस गाड़ी के अंदर हम कर चुके हैं। ये देखिए ओरिजिनल बॉक्स है महिंद्रा का जिसमें से फॉग लैंप लग के आता है, और बाकी गाड़ियों का भी मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। ये हमारी दूसरी XUV, ये भी खड़ी है, इसमें भी लगभग सेम काम हो रहा है, बट इसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा लगी हैं। इसमें हम डिफ्यूज़र लगाने जा रहे हैं फ्रंट एंड बैक पे, जिससे गाड़ी का लुक बहुत अच्छा आ जाता है। ये बिल्कुल बम्पर के साथ में कंसील्ड होके लग जाता है, इससे आपकी गाड़ी का कोई चलान नहीं होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कोई गार्ड में ऑब्जेक्शन है, ये वैसा गार्ड नहीं है। ये सबसे खास चीज़ है इस गाड़ी के अंदर, इसके हमने जो अंदर के पैनल्स हैं जो कि मैट ब्लैक में आते हैं, इनको हमने पियानो फिनिश के अंदर हाइड्रो डिपिंग करवा दिया है। अभी एक बार फाइनल लुक होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस गाड़ी का लुक कितना ज़बरदस्त लगता है। जैसे बेस वेरिएंट में आप देखते हो कि अंदर का इंटीरियर जो है वो देखने में बहुत डल लगता है, तो ये हमने 8 पीस इसके उतार लिए हैं। ये हमने एक बार रैपिंग भी की हुई है, इसका भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो दिखाऊँगा, बट इसमें हमने पियानो ब्लैक हाइड्रो डिपिंग की है। तो ये जो हमारा टॉप मॉडल वाला गाड़ी है वो भी रेडी हो गई है, ये भी XUV300 हमारी टॉप मॉडल की रेडी हो गई है। इसके अंदर हमने इंटीरियर से मैच करते हुए सीट कवर्स लगाए हैं जो कि एच ग्रे कलर जिसको बोलते हैं, और साथ में ब्लैक कलर की इसमें लाइनिंग है, और बहुत बढ़िया बेहतरीन डिज़ाइन इसमें हमने वेलकम प्लेट भी लगाई है। तो इसका भी एक बार आप लुक देखो कितना ज़बरदस्त, मेड फॉर XUV300, ये वाला फील आएगा बिल्कुल वाव फैक्टर वाला, बिल्कुल रिच लुक के सीट कवर्स, और ये बहुत बढ़िया है। इनकी 2 साल की ऑफिशियल वारंटी है और 6-7 साल बहुत अच्छी इसकी लाइफ है। आप देख सकते हो बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि जैसे कंपनी से टॉप मॉडल में लग के आई थी चीज़, उसी तरीके की। हालांकि ये टॉप मॉडल है बट इसमें सीट कवर इसमें भी लग के नहीं आता, और नॉर्मल फैब्रिक वाले सीट कवर्स ही लग के आते हैं। तो ये चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे आपको दिखाते रहेंगे, XUV300 का बहुत बढ़िया सेटअप चलता है हमारे यहाँ पे, ये हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी गाड़ी जो बेस वेरियंट है, इसके अंदर डैम्पिंग हो रही है, इसके अंदर हम कॉम्पोनेंट्स लगाने जा रहे हैं इन्फिनिटी के, साथ में हमने JBL के स्पीकर्स लगाए हैं,
और आप देख सकते हो कितनी इवनली तरीके से हमने इसमें गोल्ड सीरीज वाली डैम्पिंग की है, जिसकी लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। 100 डिग्री की इसकी रेजिस्टेंस है, इससे साउंड क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है आपकी। इसको कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये क्रॉसओवर है इन जो आपको कंपोनेंट के साथ में मिलता है, इससे आपकी साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो ये हमारा ओवरऑल म्यूजिक सिस्टम का सेटअप चल रहा है ये W4 के अंदर। अब आगे हम फ्रंट के अंदर इसमें हमने डिफ्यूज़र लगा लिया है, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे कि अभी फिट होने वाला है, और अभी इसकी बिल्कुल स्क्रू टाइट कर रहे हैं हम। किसी तरीके की कोई नेग्लिजेंस नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क होता है हमारे यहाँ पे। अभी देख सकते हो फ्रंट का लुक कितना ज़बरदस्त आ गया। अभी फिटमेंट चल रहा है गाड़ियों के अंदर। इसके अंदर भी हमने सेम उसी तरीके से साइड बीडिंग डुअल कलर वाले इसके अंदर हमने व्हील कवर्स लगाए हैं, और इसके अंदर हमने ये रूफ रेल लगाई है, बहुत बढ़िया रूफ रेल, बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल की तरह सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन के अंदर 3M की टेप एंड 3M का प्रमोटर लगा के। एक बार इसको लगाने के बाद आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल अपनी जगह पे फर्स्ट क्लास फिट हो जाएंगे, और बिल्कुल ओरिजिनल वाला आपको फिट एंड फिनिश मिलेगा इसमें। तो ये रूफ रेल भी आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। अभी बाकी का और काफ़ी सारी चीज़ों का काम इसमें चल रहा है। ये भी हमारी W4 है, इसके अंदर भी हमने फ्रंट एंड बैक पे डिफ्यूज़र लगाया। अब बैक से एक बार डिफ्यूज़र का लुक चेक करो, इसका भी मैं आपको डे टाइम का लुक भी दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें भी हमने रिफ्लेक्टर लाइट लगाई है और पीछे डिफ्यूज़र लगाया, दोनों गाड़ियों में ही लगभग सेम काम हुआ है। तो डिफ्यूज़र लगाने से जो गाड़ी का लुक है वो बहुत मॉडिफाई लगता है, पीछे से बम्पर वैसे बिल्कुल नॉर्मल सा दिखता है। तो गाड़ी को थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट लुक देने के लिए हमने इसमें फ्रंट एंड बैक पे डिफ्यूज़र लगाया है, रूफ रेल्स लगाई हैं। तो अब ये गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल फाइनल हो चुकी हैं गाड़ियाँ, और ये बिल्कुल इसका एक बार लास्ट इसका एक बार लुक चेक करते हैं कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी में, टोटल फिटमेंट का और फाइनल लुक क्या आया। फ्रंट डिफ्यूज़र देख लीजिए सिल्वर कलर के अंदर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल अपनी जगह पे, बिल्कुल फिट, किसी तरीके का कोई गैप नहीं। और इसमें हमने ओरिजिनल वाला फॉग लैंप लगाया, मैंने आपको ये दिखाया। डुअल कलर वाले इसके अंदर हमने व्हील कवर लगाए हैं, सिल्वर एंड ब्लैक वाले, कहीं से ये व्हील कवर का लुक नहीं देंगे, ये बिल्कुल एलॉय व्हील का लुक देंगे आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। साइड बीडिंग, डोर वाइजर, लोअर विंडो गार्निश एंड ओवरऑल गाड़ी का लुक ज़बरदस्त लग रहा है। रूफ रेल आपको एक बार मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा। पहले आप डोर वाइजर देखिए और ये लोअर विंडो गार्निश का लुक देखिए। तो भाइयों ये था हमारी आज की वीडियो की वो खास चीज़ें जो SUV बेस मॉडल को बेस से टॉप जैसा लुक दे देता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल टॉप मॉडल बन गई हैं, W8 बन गई हैं, बट बहुत हद तक इसके अंदर बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन और बहुत बढ़िया चीज़ें हमने लगाई हैं। अगर आपको जो W8 वाली मॉडिफिकेशन भी चाहिए, जैसे प्रोजेक्टर वाले लैम्प या अंदर के काफ़ी सारे इंटीरियर के अपग्रेड चीज़ें, तो वो भी आपको हमारे पास बहुत जल्दी मिल जाएंगी। अब XUV300 के ऊपर हम बहुत फोकस कर रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो भाइयों बहुत अच्छी इसके अंदर हमने चीज़ें लगाई हैं, बहुत बेस्ट मॉडिफिकेशन किया है। और अगर आपके पास W4 है या W6 है और जो चीज़ें आप अपनी गाड़ी के अंदर मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्काई कार रमेश नगर दिल्ली, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 371, ये हमारे स्टोर का एड्रेस है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9811663388। मेरा नाम नितिन ग्रोवर है, और इन गाड़ियों का हम अब रेगुलर बेसिस पे सेटअप करते हैं और ओरिजिनल चीज़ें ही हम आपको प्रमोट करेंगे, बेस्ट मॉडिफिकेशन की चीज़ें हम आपको प्रमोट करेंगे। तो भाइयों थैंक यू वीडियो को बिल्कुल लास्ट एंड तक देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। तो ये वाली जो चीज़ भाइयों मैंने आपको दिखाई थी पहले, हमने उतार के पैनल्स रिमूव कर लिए हैं, ये अपनी जगह पर बहुत परफेक्टली तरीके से हमने फिट कर दिए हैं। और जो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल और बेस वेरिएंट वाला लुक था, इसको पियानो ब्लैक करने के बाद कितना ज़बरदस्त लग रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे टॉप मॉडल वाला फील है। एक बार इसको चेक करें, इसको देखें, और इसको आपको खुद अपने आप, ये मेरे कहने से ना करें, आप खुद आपको लगेगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी, ये बहुत अप्रिशिएबल है। तो भाइयों मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। XUV300W4 को बेस से टॉप कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको दिखाया। थैंक यू भाइयों।
We'll be right back.